तो दोस्तों हमारा चैनल है डॉक्टर दलाल्स आयुर्वेदा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे रेगुलर अपडेट्स, रेगुलर वीडियोस जो हम हर हफ्ते एक डिसीज़ को लेकर मिलते हैं आपके साथ, वो जो है वो हर वीडियो की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुहेल दलाल फ्रॉम डॉक्टर दलाल्स आयुर्वेदा फ्रॉम सूरत गुजरात। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे एक ऐसे डिसीज़ के बारे में कि जिससे हिंदुस्तान की 1% आबादी पीड़ित है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस का मतलब हम हिंदी में उसे गठिया कह सकते हैं या जिसे वात रोग भी कहा जाता है। मॉडर्न साइंस के अनुसार ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून माने हमारी इम्यून सिस्टम की खराबी की वजह से होने वाला एक रोग, और आयुर्वेदा के अनुसार अगर हम देखने जाएँ तो उसे हम आमवात रोग कहते हैं। आमवात, आम माने क्या होता है, जैसे कि हमारे शरीर की जठराग्नि होती है, हमारी जो पाचन की प्रक्रिया है जब वो वीक होती है, जब हमारी जठराग्नि मंद होती है तो हमारा खाया हुआ खाना डाइजेस्ट नहीं होता और वो अनडाइजेस्टेड फूड से बॉडी में आम पैदा होता है। ये आम जो है ये एक विष है जो हमारे शरीर की संधियों में यानी कि जॉइंट्स में जाके जमा हो जाता है और वो इन्फ्लामेशन और पेन क्रिएट करता है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस अगर हम देखने जाएँ, जो जॉइंट्स हैं पैरों के, जो एंकल जॉइंट है, फिर हम हिप जॉइंट है, फिर एल्बो है या रिस्ट जॉइंट है, शरीर के जितने भी जॉइंट्स हैं वहाँ पे जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है उसमें सूजन आ जाती है और अनबेरेबल पेन होता है। ज़्यादातर ये जो पेन है ये दिन के समय में, सुबह के समय में होता है, अर्ली मॉर्निंग, और रात को होता है। जब धूप होती है उस समय में ये दर्द कम होता है। दोस्तों मॉडर्न साइंस के अनुसार रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने के कारण जो है वो भी संदिग्ध हैं, फिर भी कुछ रीज़न ऐसे बताए गए हैं जैसे कि ज़्यादा चर्बी वाला खाना खाना, ज़्यादा मटन का इंटेक होना, स्मोकिंग, फिर वायरल इन्फेक्शन, फिर मेंटल स्ट्रेस एक्सेट्रा, ऐसे कुछ कारण दिए गए हैं, लेकिन स्पेसिफिक रीज़न मॉडर्न साइंस में इसके रिलेटेड कोई बताया नहीं गया है। मॉडर्न साइंस में इसकी ट्रीटमेंट भी मैनेजेबल ट्रीटमेंट है, क्योरेटिव ट्रीटमेंट नहीं है। आयुर्वेदा में आमवात यानी रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने के कारणों में विषमासन और विरुद्ध आहार की वजह से मंदाग्नि होती है, यानी कि हमारा डाइजेशन वीक होता है और आम विष की उत्पत्ति होती है। खाना डाइजेस्ट नहीं होता, उसमें से जो आम पैदा होता है पेट में वो संधियों में जाके शूल पैदा करता है, मतलब पेन पैदा करता है, संधियों में स्टिफनेस आती है, जॉइंट्स में स्टिफनेस आती है और आमवात नाम का रोग जो है वो डेवलप होता है। जनरली आमवात रोग यानी कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लक्षण क्या होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्वेलिंग आती है जॉइंट्स में, जॉइंट्स में स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन एंड पेन, मतलब सूजन आना और पेन होना। उसके अलावा फीवरिश रहता है, बॉडी एक होता है, बदन में दर्द होता है, फीवर आता है, फिर पानी की प्यास ज़्यादा लगती है, ये एक लक्षण देखने को मिलता है। खाने पीने के और काम काज में अरुचि पैदा हो जाती है, मतलब मन न लगना। उसके बाद लेजीनेस, थकावट, आलसीपना महसूस होना, शरीर में भारीपना महसूस होना। उसके अलावा हम देखने जाएँ तो जो अफेक्टेड जॉइंट्स हैं, जैसे कि लेग्स के जॉइंट हैं या तो हाथों के जॉइंट हैं, उसमें स्टिफनेस आ जाती है। अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस इनिशियल स्टेज में, मतलब उसकी शुरुआती अवस्था में है, तो उसमें आपको ये सारे लक्षण जो मैंने आपको बताए वो देखने को मिलते हैं। जब रोग आगे बढ़ जाता है तो भूख लगना बंद हो जाती है, नींद आना कम हो जाती है रातों को, फिर पेट में ब्लॉटिंग होना शुरू हो जाती है। ये सारे लक्षण भी आमवात में जनरली पाए जाते हैं। और जब ये रोग जीर्ण अवस्था में चला जाता है, मतलब एकदम क्रॉनिक स्टेज में चला जाता है, तो इट लीड्स टू रूमेटिक हार्ट डिसीज, मतलब ये हार्ट डिसीज और एथेरोस्क्लेरोसिस जैसे भयंकर उपद्रव भी पैदा करता है। उसके अलावा संधियों में वक्रता आ जाना, मतलब के इमोबाइल जॉइंट्स भी हो जाते हैं। जी फ्रेंड्स, आयुर्वेदा में रूमेटॉइड आर्थराइटिस का क्योर बताया गया है। पिछले काफ़ी सालों की प्रैक्टिस में बहुत सारे पेशेंट्स हमने रूमेटॉइड आर्थराइटिस के रिलेटेड हैंडल किए हैं और उनमें से काफ़ी केसेस को हमने सक्सेसफुली क्योर भी किया है। इनिशियल स्टेज का, मतलब कि शुरुआती दौर का जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो क्योरेबल है। अगर रोग पुराना हो जाता है तो वो कष्टसाध्य है, लेकिन उस वो मैनेजेबल कंडीशन में बेटरली हम लेके जा सकते हैं। अगर किसी को इनिशियल स्टेज में रूमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ है और वो घरेलू नुस्खे अगर चाहते हैं तो कुछ चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस अगर आप पीड़ित हैं या जो लक्षण मैंने आपको बताए वो लक्षण अगर आपको दिख रहे हैं, तो गर्म पानी का इंटेक शुरू कर दें, मतलब पूरा दिन सुबह से रात तक
उष्ण जल माने हॉट वाटर का इंटेक करें। दूसरा, आप मूंग का सूप बना के उसमें सौंठ, अदरक, पीपली और जीरा डाल के गरम गरम सूप सुबह शाम उसका सेवन कर सकते हैं। फिर संधियों में जो सूजन आती है उसके लिए हम आयुर्वेदा के एक बेहतरीन हर्ब है शल्ला की, टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल होती है शल्ला की, सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम एक एक ले सकते हैं। अगर ज़्यादा स्वेलिंग है तो दो दो भी ले सकते हैं। उसके अलावा पेन के लिए हम दशमूल काढ़ा भी अवेलेबल है और महारसनादि काढ़ा भी अवेलेबल होता है, आप मेडिसिन स्टोर से लेके उसको यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो डिसीज़ है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये हमारी इम्यून सिस्टम का डिसीज़ है, तो हमें इसमें इम्यूनो मॉड्यूलेटर ड्रग्स देनी पड़ती है। आयुर्वेदा में बहुत अच्छी इम्यूनो मॉड्यूलेटर ड्रग्स बताई गई है, जैसे अश्वगंधा है, फिर भल्ला तक है, गुड़ुची है, ये सारी इम्यूनो मॉड्यूलेटर ड्रग्स भी आप साथ साथ ले सकते हैं। इनिशियल लेवल के आर्थराइटिस को आप खुद मैनेज कर सकते हैं जो मैंने बताया उस तरीके से, लेकिन अगर आपसे मैनेज नहीं हो सकता है तो आपके आसपास पे कोई भी आयुर्वेदा डॉक्टर से आप मिले और उनके पास रूमेटॉइड आर्थराइटिस की जल्द से जल्द चिकित्सा करवाएं, क्योंकि ये रोग जितना पुराना होता जाएगा उतना ही ये घातक है और अंत में ये हार्ट डिसीज में भी कन्वर्ट हो जाता है। फ्रेंड्स, आज आपको मैं एक ऐसे पेशेंट से भी मिलवाऊंगा कि जिन्होंने आरए की ट्रीटमेंट मतलब रूमेटॉइड आर्थराइटिस की ट्रीटमेंट हमारे पास यहाँ पे हॉस्पिटल में की और तकरीबन 6 से 8 महीनों में आज वो बहुत बेटर फील कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, हम मिलते हैं हमारे पेशेंट से। हमारे बीच में यहाँ पे एक पेशेंट आज यहाँ पे मौजूद है और ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस की ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास आए थे, तो आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी कि आज आयुर्वेदा की ट्रीटमेंट के बाद वो कैसा फील कर रहे हैं। मैं काजल व्यास, मेरे 38 साल है और मैं आर्थराइटिस से 4 साल से पीड़ित हूँ। तो आप ये बताइए कि आप जब आए ट्रीटमेंट करवाने तो आपको क्या तकलीफ हो रही थी उस वक्त? पहले तो मुझे ये जो हाथ है उसमें उंगलियों में सूजन बहुत रहती थी, इसके कारण मैं कुछ काम नहीं कर पा रही थी। हाथों में सूजन रहती थी, घुटनों में सूजन रहती थी, उसके कारण मैं बैठ नहीं पाती थी, उठने में मुझे प्रॉब्लम थी, पैरों में भी तलिया में भी दर्द रहता था और जो ज्वाइंट है वहाँ पर भी गांठें बनाई थी, इसके कारण मेरी जो उंगलियाँ है वो बहुत सारी टेढ़ी भी हो गई थी, पर ये दवा इससे मुझे बहुत बेहतरीन फील। अच्छा, आज पूरी उंगलियों की मूवमेंट ठीक हो गई? हाँ, सब ठीक है, मैं सुबह से लेकर शाम तक पूरा काम कज कर सकती हूँ। मेरी जो बेहतरीन, पहले तो मैं इतना भी मूवमेंट नहीं हो पा रही थी, अब मैं पूरी मूवमेंट कर सकती हूँ। पहले मैंने एलोपैथिक भी दवाई की थी, मैंने होम्योपैथिक की भी, उसके मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला था, फिर जाके मैंने आयुर्वेदा में पंचकर्म की ट्रीटमेंट करवाई, दवाई ली, उससे मुझे आज 100% रिजल्ट मिल रहा है और मैं पहले जैसी लाइफ जी रही हूँ। तो थैंक्स टू आयुर्वेदा। थैंक यू वेरी मच। आज हमने देखा रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसा रोग भी आयुर्वेदा से क्योर हो सकता है। आयुर्वेदा की डाइटरी प्रोटोकॉल्स और आयुर्वेदा की मेडिसिन एंड पंचकर्म ट्रीटमेंट के माध्यम से हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसे रोग से भी छुटकारा हासिल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।